क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, इनका नाम है शाहिद सिद्दीकी। शाहिद सिद्दीकी साहब इंडियन पार्लियामेंट के रुकन रह चुके हैं और नई दिल्ली के एक वीकली मैगज़ीन है नई दुनिया, उसके चीफ एडिटर हैं और समाजवादी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया और 15 साल तक पॉलिटिकल साइंस के उस्ताद रहे। और इनकी एक ख़ास बात यह है कि ये गालिब, मिर्ज़ा गालिब के हमसाए हैं, उसी मोहल्ले में पैदा हुए। शाहिद साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया। बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया और अपनी बात कहने का मौका दिया। अच्छा शाहिद साहब, हमारे यहाँ आजकल बड़ी शिद्दत से ये कहा जा रहा है कि इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, और ये जो शिकायत है एक्चुअली इतनी नई नहीं है और ये काफ़ी पुरानी शिकायत है। और भुट्टो साहब ने 1968 में कहा था कि जी इंडियन मुस्लिम्स के खिलाफ एक कैंपेन ऑफ एक्सटर्मिनेशन जारी है, यानी उनको ख़त्म करने की मुहिम जारी है। तो इस नैरेटिव को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान को अपना वजूद कायम रखने के लिए और अपने दो कौमी नज़रिए को दुरुस्त साबित करने के लिए मुसलसल इस नैरेटिव को चलाना पड़ता है कि हिंदुस्तानी मुसलमान का वजूद मिट चुका है, मिट गया है या मिटने वाला है। इस्लाम खतरे में है, पहले इस्लाम खतरे में था, अब हिंदुस्तानी मुसलमान खतरे में है। लेकिन खतरे में किसने डाला, पहली बात, उस पर मैं बाद में आऊँगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हिंदुस्तानी मुसलमानों की आबादी जितनी आप छोड़ के गए थे उससे 10 गुना ज़्यादा है। आज हिंदुस्तान में मुसलमान 20 से लेकर 25 करोड़ के बीच में आबादी है, शायद पाकिस्तान के बराबर या शायद पाकिस्तान से भी ज़्यादा। तो 1968 में अगर भुट्टो साहब ने देखा था कि उनका नामो निशान मिटा दिया जाएगा, तो 68 से आप देख लीजिए कि आज कितना हमारा निशान फैल गया है और कितने हम फैल गए हैं। और अल्लाह के फजलो करम से ज़िंदगी के हर मैदान में हमने कामयाबी हासिल की है। हिंदुस्तान में कोई शोबा ऐसा नहीं है कि जिसमें हिंदुस्तानी मुसलमानों ने अपना मकाम ना हासिल किया हो, और उसके लिए मैं क्रेडिट देता हूं हिंदुस्तान की क़यादत को कि जिसने 47 के बाद, जबकि आपने पाकिस्तान बना लिया, तकसीम कर दिया मुल्क को, इस्लाम के नाम पे बनाया, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान को एक सेकुलर मुल्क रखा, डेमोक्रेटिक मुल्क रखा, बराबर के हुकूक दिए हिंदुस्तानी मुसलमानों को, और जिसकी वजह से हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं यहाँ पर तरक्की कर पाए, आगे बढ़ पाए। आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान के एयर चीफ मुसलमान रहे, हिंदुस्तान में 8-9 मेजर जनरल आर्मी के अंदर मुसलमान रहे, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन होती है कश्मीरी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब रहे, 4 चीफ मिनिस्टर 5 चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान के कश्मीर के अलावा, कश्मीर में तो सारे चीफ मिनिस्टर मुसलमान रहे, लेकिन राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बरकतुल्ला साहब, महाराष्ट्र के अंतुले साहब, आसाम की जो है वो मोहतरमा सैयदा अनवरा तैमूर, और जनाब बिहार के अब्दुल गफूर साहब। इसी तरीके से हमारी एयरफोर्स के चीफ जो है वो एयर मार्शल लतीफ़ साहब, वो हमारे एयरफोर्स के चीफ रहे। जो हमारी सबसे सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है आईबी, जो इंफॉर्मेशन हमारी ब्यूरो है जिसमें जिसके पास सारे मुल्क की सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसके चीफ अभी हाल ही में मोदी जी के ज़माने में आसिफ इब्राहिम साहब जो है अभी रिटायर किए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में बावजूद तमाम बातों के हिंदुस्तान का मुसलमान माशाल्लाह आगे से आगे बढ़ रहा है। 3 सदर हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दिखावे के लिए नहीं, असल में ताकत के साथ, वजूद के साथ, चाहे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब रहे हों, चाहे सफुद्दीन अली अहमद रहे हों, चाहे डॉक्टर अब्दुल कलाम रहे हों, जो हिंदुस्तान में बानी रहे, हमारे जो न्यूक्लियर हमारी जो पावर बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, हिंदुस्तान को कि जो जो स्पेस के अंदर जो हमने पहुंचाया है उसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम का मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो हम फख्र के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ हिंदुस्तान में अपने हक के लिए लड़ते भी हैं, पाते भी हैं और तकलीफें भी उठाते हैं। तकलीफों के लिए बुनियादी वजह मैं कहूंगा एक बार फिर कि वो पार्टीशन है जिसने हिंदुस्तान को नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अच्छा शाहिद साहब, जावेद हफीज साहब हैं हमारे, एक साबिक एम्बेसडर हैं वो, जी जी, वो उन्होंने एक दफा लिखा, हमारा एक रोजनामा है दुनिया, उसमें ये लिखा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत दलितों और शूद्रों से बदतर है। और इसी तरह की बात हमारे एक और मशहूर मीडिया पर्सनैलिटी हैं औरिया मकबूल जान, वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं,
वो कहते हैं जी मैं इंडिया गया हूँ और मैंने इंडिया में काफी घूमा हूँ और मैंने वहां देखा कि इस वक्त जो गेटोज हैं, यानी जिस तरह से यहूदियों को यूरोप में रखा जाता था, अलग से मोहल्ले होते थे जहां सहूलतें नहीं होती थी और वो तंगो तारीख होते थे, तो उस तरह के बदबूदार गेटोज में मुसलमान रहते हैं और उनके बहुत ही बुरे हालात हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये मुसलमान जो है ना, इन्होंने सुन्नत से गोया बेवफाई की, इन्होंने हिजरत नहीं की, इसलिए जहन्नम की आग में जलेंगे, यहाँ तक उन्होंने लिखा। आप कैसे देखते हैं इन बयानात को? देखिए, मैं उन्हें जानता नहीं, ना मैं इस तरह की, माफ करें, अहमकाना बातों का मैं जवाब देना पसंद करता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में ऐसा तो नहीं है कि जो भी यहाँ से गया उसे एक जन्नत मिल गई, उसे जो है बहुत उसको महलात मिल गया, उसकी हालत बहुत अच्छी हो गई। कुछ अच्छे भी हुए, कुछ बुरे भी हुए, कुछ आपकी हालत बहुत खराब गया। पाकिस्तान में गुर्बत, आप कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में गुर्बत नहीं, हिंदुस्तान में गुर्बत है, पाकिस्तान में भी गुर्बत है, एशिया के, साउथ एशिया के तमाम ममालिक में गुर्बत है। मुसलमान बहुत अच्छी हालत में भी है, बहुत खराब है। अब आप क्या देखना चाहते हैं, क्यों देखना चाहते हैं, पहला सवाल ये। दूसरी बात ये कि मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो नुकसान हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ हुआ, वो जो पार्टीशन के वक्त आप पूरी इलीट को, सर सैयद अहमद खान ने बड़ी मेहनत से एक एजुकेटेड इलीट पैदा किया था इस मुल्क में, वो कुर्बानियाँ हम दी थी, उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी थी, इसी दिल्ली से, इसी लाल कुएं से, इसी मेरे स्कूल से, एंग्लो अरबिक स्कूल से सर सैयद अहमद खान निकल के गए थे और मौलाना मौलाना हुसैन अहमद मदनी और मौलाना वो जो दालूम के बानी थे, वो मेरे स्कूल से निकले हैं अजमेरी गेट में दिल्ली के ऊपर। इन लोगों, आप सब कोई एजुकेटेड मिडिल क्लास को एक झटके में ले गए हिंदुस्तान से बुला के। मुस्लिम लीग ने जबरदस्ती की लोगों के साथ, उनके घरों पे धरने दिए जो बड़े अफसर थे, कि आप चलो, नतीजा आप यतीम छोड़ गए हिंदुस्तान के मुसलमानों को, आप सिर्फ गरीब को यहाँ छोड़ गए, आप सिर्फ मजबूर को यहाँ पे छोड़ गए, जमींदार सारे चले गए, पैसे वाले यहाँ से चले गए, दौलत लेके चले गए आप यहाँ से, जिन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया था, कभी आज़ादी की जंग में हिस्सा नहीं लिया था, जिन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी थी, जो गुलाम थे अंग्रेज के, जो हिंदुस्तान के मुसलमान की जिसने कभी परवाह नहीं की थी, वो सारे के सारे एक झटके में पाकिस्तान चले गए और यहाँ पे आपको ये, आपने यतीम बेआसरा छोड़ दिया। उसके बाद आज कहते हैं कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है, पिछड़े हुए के जिम्मेदार कौन है? किसी कौम की आप मिडिल क्लास को गायब कर दीजिए, पूरी एक जनरेशन को, तो 4 जनरेशन 5 जनरेशन लगती है उसे बनने में, लेकिन मुझे फख्र है कि उसके बावजूद हम बने हैं, उसके बावजूद हम हर मैदान में आगे आए हैं। आज हिंदुस्तान में क्या, दुनिया में आप कहीं जाएंगे तो आपको हिंदुस्तान के मुस्लिम डॉक्टर्स, मुस्लिम इंजीनियर्स, आप दुबई चले जाइए, आप गल्फ में चले जाइए, मेरी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, मेरे जामिया मिलिया इस्लामिया के पढ़े हुए, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, जामिया हमदर्द के पढ़े हुए लोग आपको दुनिया में हर जगह हाईएस्ट पोजीशंस में मिलेंगे, एज एडवाइजर्स मिलेंगे किसी भी मुस्लिम गवर्नमेंट के या अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर। तो हिंदुस्तानी मुसलमान, मैं समझता हूँ, मैं बड़ी गलतफहमी दूर कर दूँ पाकिस्तान के मुसलमानों की, हिंदुस्तानी मुसलमान आग में से तप के निकल रहा है, ये लोहा है, ये फौलाद बनेगा और ये पूरी दुनिया को लीड करेगा, इस्लामिक वर्ल्ड के लिए हम चेंज लाएंगे। लेकिन हमें फख्र है हिंदुस्तान के ऊपर, हमें हिंदुस्तान में तमाम बातों के बावजूद मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान से बेहतर दुनिया में कोई मुल्क नहीं हो सकता। उसके लिए मैं क्रेडिट देता हूँ हिंदुस्तान के, हिंदू कौम को क्रेडिट देता हूँ कि जिसने हमेशा खुला दिल रखा, खुला दिमाग रखा, वरना उनके पास क्या लाचारी थी कि वो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र न बना देते 1947 में। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसमें हमें हुकूक दिए, हमारी मसाजिद, हमारे मदरसे, हमारे दीन, हमारी शरीयत, हर चीज़ पाकिस्तान से ज़्यादा महफूज है। सर, आपके यहाँ तो मस्जिदों के बाहर सिक्योरिटी लगानी पड़ती है, मेरे यहाँ नहीं लगानी पड़ती। मेरे यहाँ किसी को कोई खतरा नहीं है, किसी भी फ़िरके का हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, 72 फ़िरके अगर दुनिया में कहीं 74 फ़िरके हैं किसी एक मुल्क में अमन के साथ इस्लाम के मुसलमानों के, तो हिंदुस्तान के अंदर हैं और ये हिंदुस्तान की मैं समझता हूँ कि अजमत है। मुझे, मैं दर्जनों बार जेल गया हूँ, मेरे से ज़्यादा कौन जानता है, मेरे वाले हज़रत मौलाना अब्दुल भाई सिद्दीकी दारुल देवबंद से निकले हुए, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी के मुंह बोले बैठे थे वो, लेकिन जब शब्बीर अहमद उस्मानी साहब, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी पाकिस्तान जाने का फैसला किया, तो मेरे वालिद जो उसके खिलाफ थे वो लाहौर में थे उस वक्त, लाहौर में मौलाना जफर अली खां के जमींदार में काम करते थे, वहाँ से माइग्रेट करके वो दिल्ली वापस आए और अलजमियत अखबार, जमीतुल उलमा का जो अखबार था यहाँ पे, उसको संभाला। तो मेरे ये भी होता था कि मोहब्बत अपनी जगह पर, वालिद मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी और उनके बेटे मौलाना अब्दुल भाई सिद्दीकी, यानी मेरे वालिद, वो कट्टर मुस्लिम लीग और पार्टीशन के मुखालिफ, और शब्बीर अहमद उस्मानी साहब पाकिस्तान जाके वहाँ के अमीर शरीयत शायद बने।
मेरे वालिद को बहुत बुलाया, नहीं गए वो यहाँ से, क्योंकि हमें हिंदुस्तान, और मेरे वालिद दर्जनों बार जेल गए, मेरे खानदान से ज्यादा हिंदुस्तान में जेल कोई नहीं गया। मेरे वालिद 1947 के बाद तकरीबन 70 बार जेल गए, मैं 3 बार जेल गया, मेरे दोनों भाई जो है 5-6 बार जेल गए हिंदुस्तान में। लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान में हमने इतना कुछ पाया है, इतना कुछ पाया है कि जिसका आप लोग अंदाजा नहीं कर सकते। फख्र के साथ, इज्जत के साथ हम जो है हिंदुस्तान में आज जीते हैं, अपना मकाम रखते हैं, लड़ते भी हैं और पाते भी हैं और तकलीफें भी उठाते हैं, कहानी उठाते। लेकिन पाकिस्तान में तो खत्म हो गए हिंदू, क्यों खत्म हो गए? सिख खत्म हो गए, क्यों खत्म हो गए? मेरे यहाँ क्यों नहीं खत्म हुए? मेरे यहाँ तो 10 गुना ज्यादा हो गए, क्यों हो गए? उसके लिए यहाँ का समाज जिम्मेदार है ना, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से और कानून से नहीं होता, लीडरशिप से नहीं होता। यहाँ के समाज को, हमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान के मुसलमानों को इस बात को समझना होगा, पाकिस्तानियों को समझना होगा कि हिंदुस्तान का जो अवाम है वो बुनियादी तौर पर जमहूरी सोच का इंसान है, वो बड़ी बड़ी दिल के लोग हैं। उन्होंने जिस तरह से हिंदुस्तान में जगह दी है हिंदुस्तान के मुसलमान को, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आप जर्मनी से कंपेयर मत कीजिए, आप यूरोप से कंपेयर मत कीजिए, आप बोस्निया से कंपेयर मत कीजिए, हिंदुस्तान यूनिक है, यूनिक। और जिसका जिस पे हमें फख्र है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को फख्र है। और यही वजह है कि जब जब जंग हुई पाकिस्तान से, हिंदुस्तानी मुसलमान पीछे नहीं रहे, बहुत आगे रहे। जब कारगिल का मामला हुआ, कारगिल में तकरीबन 550 लोग मारे गए थे हमारे फौजी, उनमें से तकरीबन 50 से ज्यादा जो है वो मुसलमान थे, यानी 8-9%। हालांकि आर्मी के अंदर हम शायद मुश्किल से 5% हैं, लेकिन शहीद होने वालों में 8-10% थे हम। क्यों? कि हमें, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें पहले हिंदुस्तानी हैं, मुसलमान हैं, हिंदुस्तानी हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था कि बेवक्त वक्त मुसलमान भी हूँ, बेवक्त वक्त हिंदुस्तानी भी हूँ, और दोनों में कोई तजाद नहीं है। जिस तरह मैं एक वक्त में बाप भी हूँ, बेटा भी हूँ, भाई भी हूँ, जब मेरा दीन खतरे में है तो मैं मुसलमान हूँ, जब मेरा मुल्क खतरे में है तो मैं हिंदुस्तानी हूँ। जिस तरह मेरी, मेरे बाप को मेरी ज़रूरत है, मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है, उस वक्त मैं बेटा हूँ, जिस वक्त मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है उस वक्त मैं बाप हूँ, दोनों में कोई तजाद नहीं है। और इसी तरह से हम यहाँ पे जीते आए हैं सर। जी शायद साहब, आपने जो बात की कि जो ब्यूरोक्रेट थे, तो उसी तरह की बात एक पाकिस्तानी प्रोफेसर ने जो कनाडा में पढ़ाते थे, खालिद बिन सईद, उन्होंने भी अपनी एक किताब में की है कि पार्टीशन के वक्त तकरीबन 100 ICS ऑफिसर्स थे, मुस्लिम जो थे, और उनमें से कोई 4-5 के अलावा सब पाकिस्तान आ गए। ये बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन सर हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी सच्चर कमेटी जो बनी थी कांग्रेस के दौर में, उस वक्त गालबन डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो वजीर आजम थे, तो सच्चर कमेटी की जो फाइंडिंग्स थी उसमें तो बहुत मुसलमानों को बैकवर्ड दिखाया गया था, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है कि वो तो मैं समझा चुका हूँ आपको, और ये हिंदुस्तान का कमाल है, हिंदुस्तान की जमहूरियत का कमाल है कि हम मान रहे हैं कि कहाँ बैकवर्ड है, क्या कमी है, तो उसको दूर करने के लिए कमेटी बनाई गई, उसके जाना गया, रिसर्च किया गया। ऐसा नहीं कि मुझे शिकायत नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, मुझे बहुत शिकायतें हैं, लेकिन वो शिकायतें मैं आपसे आके नहीं करूंगा, मैं उन शिकायतों के लिए, मेरे पास यहाँ पर रास्ते हैं लड़ने के लिए। तो सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें आप एक बार समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कि रातों रात मुसलमान बैकवर्ड हो गए। 1857 से जो शुरू हुआ था प्रोसेस, उससे पहले शुरू हुआ था, उसके नतीजे में मुसलमान, जब सैयद अहमद खान ने तहरीक चलाई उस वक्त भी मुसलमान बहुत बैकवर्ड थे। मुसलमान ऐसा नहीं कि 47 के बाद बैकवर्ड हुए हैं, तालीम के मैदान में मुसलमान बहुत पीछे था। और अंग्रेज से हमने कहा था, आप सच्चर को छोड़िए, आप हंटर कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए, जो 1800 मेरे ख्याल में 90 में कुछ आई थी, हंटर कमेटी बनाई गई थी मुसलमानों के बैकवर्डनेस जानने के लिए, अंग्रेज ने बनाई थी। तो मुसलमान तालीमी मैदान में, समाजी मैदान में, हर मैदान में पिछड़ा हुआ था 1890 में, 1900 में। उस वक्त सर सैयद की तहरीक के नतीजे में मुसलमान ने फिर खड़ा होना शुरू किया था, क्योंकि मुसलमान ने अपने को अंग्रेजी तालीम से, मॉडर्न एजुकेशन से दूर रखा था। उसके लिए जिम्मेदार यहाँ का हिंदुस्तान की गवर्नमेंट नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार आपका पूरा माशरा है, जिसने पिछड़े रखा। और माफ फरमाए मुझे, पाकिस्तान आज भी तालीम के मैदान में हिंदुस्तान से बहुत पिछड़ा हुआ है। क्यों पिछड़ा हुआ है? आप हिंदुस्तान के मुसलमान की बात करते हैं पिछड़ेपन की, पाकिस्तान क्यों पिछड़ा हुआ है तालीम के मैदान में? बांग्लादेश से भी, हिंदुस्तान से भी क्यों पिछड़ा हुआ है? और जो यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं हिंदुस्तान से, बेपढ़े लिखे लोग इंग्लैंड गए माइग्रेट करके, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से भी, जो हिंदुस्तान से गए वो आज इंग्लैंड में सफे अव्वल में है, पाकिस्तानी नहीं है। अमेरिका में हाईएस्ट इनकम जो है वो हिंदुस्तानियों की है इन अमेरिका, अमेरिकन से ज्यादा, वाइट अमेरिकन से ज्यादा। क्यों है ऐसा? क्योंकि एजुकेशन, हमने पूरा ध्यान दिया अपनी एजुकेशन के ऊपर, फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन, IITs, IIMs हमने बनाए अपने मुल्क के अंदर, फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज हमने बनाए, रिसर्च सेंटर्स बनाए, आपने नहीं बनाए। तो अब आप
उस सब चीज का आप हमें इल्जाम दे रहे हैं, हिंदुस्तानी मुसलमानों को पिछड़ा कह रहे हैं, तो खुद ये ध्यान कीजिए कि पाकिस्तानी मुसलमान क्यों पिछड़े हुए हैं, उस पर जरा सा तवज्जो दे दें तो शायद हमें बड़ी खुशी होगी, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान बन गया, चलिए बहुत अच्छा है, हम उसका एहतराम करते हैं, हम उसका पूरी कदर करते हैं पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान को कम से कम इतना मजबूत तो बनाइए, इतना आगे तो ले जाइए कि हम कह सकें कि हाँ जी आपने गलती नहीं की थी, आप जो किया आपने अच्छा किया, आप कम से कम खुश रहें, आप वहां पे आराम से रहिए, आप आगे बढ़िए, लेकिन आप तो आगे नहीं बढ़ रहे जी। शायद साहब ये आपने अच्छी बात की, और इस सिलसिले में जो पाकिस्तान में लोग हैं जो दिन रात सच्चर कमेटी की बात करते हैं, तो वो कभी ये मुतालबा नहीं करते कि पाकिस्तान में भी सच्चर कमेटी जैसी एक कमेटी बननी चाहिए जो देखे कि पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनके क्या हालात हैं। मैं कतअ कलाम मैं कहूंगा कि ऐसी कमेटी बनाए जो ये देखे कि पाकिस्तानी पिछड़े क्यों हैं, गैर मुस्लिम को छोड़िए पाकिस्तानी मुसलमान क्यों पिछड़े हुए हैं, तालीम के मैदान में, साइंस के मैदान में, रिसर्च के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में क्यों पिछड़े हुए हैं, क्यों वो उतने आगे नहीं जा पाए जितना आगे जाना चाहिए था, जितना हिंदुस्तान आगे जा रहा है या इवन बांग्लादेश जितना आगे जा रहा है, इसके ऊपर एक कमेटी बनाई है। गैर मुस्लिम तो आपके यहाँ बचे ही नहीं, आपने छोड़े ही नहीं, माफ फरमाए मुझे, उनको तो आपने तीसरे चौथे दर्जे का शहरी बना दिया है, और हमें तकलीफ होती है क्योंकि जब हम यहाँ अपना हक मांगते हैं तो बहुत सारे लोग उठ के कहते हैं कि आप यहाँ मांगते हैं, वहां देखिए क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उसका हमारे लिए सबसे बड़ी तकलीफ है। अगर आप हिंदुस्तानी मुसलमानों से आपको मोहब्बत है और आप चाहते हैं उनकी तरक्की, अगर आप कदर करते हैं तो आप अपने यहाँ अकलियतों को उनका हक दीजिए, अकलियतों को, हिंदुओं को हक दीजिए, उनकी औरतें मत उठाइए, उनकी लड़कियों को जबरदस्ती गैर मुस्लिम मत बनाइए, आप क्या कर रहे हैं वहां पर, उसकी जवाबदेही हमें यहाँ करनी पड़ती है, हमें सहना पड़ता है, आप जो मजालिम ढाते हैं उसकी कीमत हम चुकाते हैं, आप 1947 से हमारे बच्चे, हमारी नस्लें कीमत चुका रहे हैं आपकी हरकतों की, जो आपने बांग्लादेश में किया, जो आपने दूसरी जगह पे किया, जो आपने अहमदियों के साथ किया, जो शियों की मस्जिदें आप बमों से उड़ाते हैं, उसकी कीमत हम यहाँ चुकाते हैं, आप अपने को सुधार लीजिए, अपने गिरेबान में झांक के देखिए, हिंदुस्तानी मुसलमानों की परवाह मत कीजिए, हिंदुस्तानी मुसलमान अपनी ताकत से अपने लड़ना जानता है और इंशाल्लाह लड़ा है और आपसे बहुत आगे है और आगे रहेगा। अच्छा शायद साहब, ये इंडिया में जो फसादात हैं इनका भी पाकिस्तान में बड़ा तस्करा होता है, तो आप कैसे देखते हैं इन फसादात को? देखिए मैं पाकिस्तान बहुत बार गया, आपको शायद मालूम होगा कि मैं इंडिया पाकिस्तान फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियंस का पहला को चेयरमैन था, निर्मला देशपांडे और मैं, और कुलदीप नैयर साहब और हम बहुत गए, हमने दोस्ती के लिए बहुत काम किया, तो मैंने मुझसे ये सवाल पाकिस्तान ने पूछा गया कई बार, तो मैंने एक बात कही कि मुझे एक बात बताओ कि फसाद या झगड़ा किसके बीच होता है, एक बहुत ताकतवर और बहुत कमजोर के बीच झगड़ा फसाद होता है क्या? फसाद तो बराबर के लोगों के बीच होता है। हिंदुस्तान में फसाद इसलिए ज्यादा होता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो है दबके नहीं रहता, हिंदुस्तान में मुसलमान को बराबर का हक है, हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ जरा से भी कोई ज्यादती होती है तो खुल के सड़क पे आ जाता है, वो सामने आ जाता है, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तो इसलिए फसाद होता है। अगर हिंदुस्तान सेकुलर ना होता, हिंदू राष्ट्र होता, तो शायद फसाद ना होता। हिंदुस्तान में आप कहेंगे बड़ी अजीब बात है कि हिंदुस्तान में फसाद इसलिए होता है कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म है, हिंदुस्तान का मुसलमान जो है उसे बराबर का हक मिला हुआ है, तो वो फिर टक्कर भी लेता है, चाहे बम्बई का फसाद हो चाहे ये, और बात है कि जो कमजोर होता है वो शुरू में तो टकरा जाता है। मैंने मेरे से ज्यादा हिंदुस्तान में किसी ने फसाद कवर नहीं किए हैं, चाहे भागलपुर का फसाद रहा हो, चाहे मुंबई का फसाद हो बार बार का, अहमदाबाद का, भिवंडी, जलगांव, मालीगांव, हाशिमपुरा, मेरठ, अलीगढ़, जमशेदपुर, मैं तो पूरी तारीख मेरे हाथों पे है फसादात की, मेरे से ज्यादा कवर किसी ने नहीं किया। मैंने बरसों बिताए हैं मेरठ के हाशिमपुरा में और भागलपुर में, जो लोगों की रिलीफ पहुंचाने के लिए, उनको रीबिल्ड करने के लिए, उनकी मसाजिद, उनके घर दोबारा बनाने के लिए, तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन दोस फ्रंट्स। तो मैं जानता हूं कि फसाद अक्सर हमारे लोगों की गलती से शुरू होता है, लेकिन उसके बाद जब पुलिस और दूसरे लोग आ जाते हैं बीच में, तो हमारे लोग मार भी ज्यादा खाते हैं, ये सच्चाई है कि मार हमारी ज्यादा पड़ती है, लेकिन बहुत जगह पर हमारी अपनी हिमाकत से, जज्बाती बातों से, होश से, अकल से काम न लेकर हम जो काम करते हैं, ये हमारी कौम की बदकिस्मती है, हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, कि हम सोचते बाद में है, पहले हम अमल कर देते हैं, जज्बात से काम लेते हैं, होश से काम नहीं लेते। हमारे दीन ने हमें होश से सोचना सिखाया था, और सिर्फ जज्बात से काम लेते हैं, ये नहीं जानते कि किस तरह से हमें मुकाबला करना है। पूरी दुनिया में मुसलमान बैकवर्ड क्यों है? सर मुझे ये बता रहे हैं, आप हिंदुस्तानी मुसलमान की बात करते हैं, अरब क्यों बैकवर्ड है? इसराइल के मुकाबले, एक छोटे से मुल्क के मुकाबले में आप इतने कमजोर क्यों हैं? आप सऊदी अरब के पास और अरब कंट्रीज के पास इतनी दौलत है कि सोच नहीं सकते, उसके बावजूद बैकवर्ड है। वहां कौन हिंदू रोक रहा है उन्हें आगे बढ़ने से? वहां कौन उन्हें आरएसएस रोक रही है आगे बढ़ने से?
आप हिंदू मुस्लिम आगे नहीं बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में, उसकी उस पर तवज्जो दीजिए, उस पर कमीशन बनाइए, उस पर गौर कीजिए। दानिशरों से कहूंगा इस पर ध्यान दीजिए कि कहाँ गलती है, कहाँ कमी है हमारी सोच में, हमारी फिक्र में। जी आपने आपने शायद साहब इसराइल का जिक्र किया, पिछले दिनों मैं देख रहा था, आप गूगल पे जाके अगर लिखे ना इसराइली इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, तो आप हैरान हो जाते हैं कि मुसलमानों के जो 40-45 मुल्क हैं उनसे ज्यादा इन्वेंशन और डिस्कवरीज उस छोटे से मुल्क की हैं जिसे इसराइल के नाम से जाना जाता है और जिसकी आबादी ज्यादा है, कई 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 उससे 15-20-50 गुना ज्यादा ही, हमारे यहाँ तो डिस्कवरी होती ही नहीं। और उनकी आबादी बाहर वाला आके करता है, उनकी आबादी सर सिर्फ 90 लाख है जिसमें से 20-22 लाख जो है वो गैर यहूदी है, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। तो उनकी इन्वेंशन जो बड़ा हैरत होती है बंदे को कि हमारे यहाँ जो है लोगों को बिल्कुल अनअवेयर रखा जाता है। इसी तरह से इंडिया की जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में भी हमारे मीडिया में कोई खास जिक्र नहीं होता। मसलन हमारे हाँ लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि जनूबी एशिया का अमीर तरीन शख्स जो है वो अजीम प्रेम जी है और वो इंडिया का शहरी है, वो बांग्लादेश या पाकिस्तान का शहरी नहीं है। अगर वहाँ पे उनके खिलाफ जुल्म व सितम हो रहा होता, डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, तो वो विप्रो जैसी एम्पायर कैसे खड़ी करते, वो कैसे उनको आईटी का बादशाह कहा जाता है इंडिया में। तो ये बातें वाकई काबिले गौर हैं। तो आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? देखिए आप अपने यहाँ से, आपके वो जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ, मेरे अगर बस में होता पहले मैं बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस को यहाँ पे लाया भी, मेरे बस में हो तो मैं पूरे ग्रुप को लेकर आऊँ और हैदराबाद और बॉम्बे और बेंगलोर और तमिलनाडु और चेन्नई लेके जाऊँ। वो सिर्फ दिल्ली के मुसलमान को देख के हालात को समझते हैं। दिल्ली से तो क्रीम चली गई, पाकिस्तान दिल्ली से क्रीम चली गई थी एक झटके में। लेकिन आप यहाँ पे देखिए तो आपको सिर्फ एक हाशिम अदीम प्रेम जी नहीं मिलेंगे, आपको सैकड़ों सैकड़ों मिलेंगे जो बिलियनर्स हैं मुसलमान, जो जिंदगी के हर मैदान में आगे हैं, बिजनेस में, ट्रेड में, बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़ी बड़ी चीजें। ऐसा नहीं है कि यहाँ के मुसलमान जो है सिर्फ कमजोर और उसमें है। तो हिंदुस्तान में पूरा मौका मिला है, जो बासलाहियत है, जो काम कर सकता है, जो जद्दोजहद करता है, उसे कोई रोकता नहीं हिंदुस्तान में। आप ये देखिए कि कश्मीर से बच्चा था, नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा अभी, उसने हमारे IAS में टॉप किया, किसी ने रोका नहीं। कंपटीशन होता है, इतना कंपटीशन होता है कि 15-20 लाख लोगों में से 100 आदमी चुने जाते हैं, 100-200-250 चुने जाते हैं। तो 15-20-25 लाख लोगों के कंपटीशन में से कश्मीर का बच्चा जो है वो सेलेक्ट होके टॉपर होता है, पहली उसमें। तो उसे कोई रोकता नहीं है अगर वो बासलाहियत है। और ऐसे ऐसे कितने हमारे बच्चे IAS के अंदर, IPS के अंदर, हमारे पुलिस फोर्स के अंदर जो सेलेक्ट हो रहे हैं, उन्हें कोई रोक नहीं रहा। तो अजीम हाशिम प्रेम जी जो हैं उनको एक मैं और मिसाल देता हूँ आपको कि हमारे यहाँ जब आप मोहम्मद अली जिन्ना साहब चले गए पाकिस्तान, तो ये तो वही सोच के गए थे कि कुछ दिन बाद वापस आ जाऊंगा, घर अपना ऐसे ही बंद करके बम्बई में चले गए थे कि ये तो थोड़े दिन का मामला है, फिर मैं वापस आके आखिरी वक्त अपना बॉम्बे में गुजारूंगा। तो उनकी फैमिली यहाँ पर थी, उनकी बेटी यहाँ पर थी, उनके जो नवासे हैं हिंदुस्तान में वो बॉम्बे डाइंग के मालिक, क्या उनका नाम है अभी ध्यान में नहीं, मैं बताता हूँ आपको, मैंने उन पर लिखा है बहुत। तो वो यहाँ पे तरक्की करके हिंदुस्तान के अमीर तरीन आदमी बने और उनका जो बिजनेस अंपायर है बहुत ही बड़ा बिजनेस अंपायर है, नुस्ली वाडिया तो नहीं उनका नाम, के नवासे का जो है यहाँ पे अंपायर है पूरा, किसी ने रोका नहीं कि साहब ये जिन्ना साहब का नवासा है, यहाँ पे आगे मत पढ़ने दो, ये तो मूल दुश्मन है, यहाँ से निकालो। नहीं, वो ने सिर्फ यहाँ पे कायम रहे, बल्कि उनकी बिजनेस इतनी फली पूरी कि वो टाटा और बिरला के मुकाबले पे खड़े हो गए आके। और राजीव गांधी की मुखालफत करने वाले जो इंडियन एक्सप्रेस था बोफोर्स को लेके, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो जिन्ना के जो नवासे थे वो हिंदुस्तान के वजीर आजम राजीव गांधी को, यानी जो नेहरू के नवासे थे, उनकी मुखालफत कर रहे थे। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि साहब तुम हो कौन, तुम तो जिन्ना के, किसी ने उन पर यह तंग नहीं किया, उनकी मुखालफत हो, ये हिमायत हो। किसी ने हिंदुस्तान में गलती से भी किसी अखबार ने नहीं लिखा कि आप जिन्ना के नवासे हैं, आपको क्या हक पहुंचता है हिंदुस्तान में, आप जाइए पाकिस्तान, किसी ने उनसे नहीं कहा। तो ये हिंदुस्तान की ताकत है। अगर महात्मा गांधी का या नेहरू का कोई रिश्तेदार वहां पे रह गया होता तो आप क्या समझते हैं उसे तरक्की मिलती, क्या उसे मौका मिलता आगे बढ़ने का? तो हिंदुस्तान में जो मेहनत करता है उसे तरक्की का, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और बड़े बड़े हैं, और हाशिम अदीम प्रेम जी तो उसकी एक मिसाल है, उन जैसी तो सैकड़ों मिसालें यहाँ पर मौजूद है। अच्छा सर, हमारे मीडिया में एक ये बड़ा मसला रेज किया जाता है कि
कश्मीर में बहुत जुल्म और सितम किया जा रहा है मुसलमानों के साथ, और खास तौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत जुल्म और सितम हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कश्मीर का मसला अपनी जगह पर बहुत पेचीदा है और उसको पेचीदा बनाने में पाकिस्तान का भी उतना ही हाथ है। पाकिस्तान ने भी कश्मीर को दोनों तरफ से, हर तरफ से, वहाँ के सियासतदानों ने भी और हर तरफ से सियासतदानों ने कश्मीर को इस्तेमाल किया है अपनी अपनी सियासत के लिए, अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए। आपके यहाँ सिर्फ सियासतदानों ने नहीं, आपके यहाँ उलमा ने भी, मुल्लाओं ने भी, आपके यहाँ तंजीमों ने भी चंदे जमा करने के लिए और कश्मीर का इस्तेमाल किया है, कश्मीर का नाम लेकर अपनी दुकानें चला रहे हैं वहाँ पे बहुत लोग। तो कश्मीरियों के साथ तो बड़ा जुल्म हुआ है, कश्मीरियों के साथ जुल्म सबने किया है, कश्मीरियों को इस्तेमाल सबने किया है, और वक्त आ गया है कि कश्मीरी जाग गए हैं, कश्मीरी जाग गए हैं। अब कश्मीरियों को पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी, पाकिस्तान कोई नहीं जाना चाहता हिंदुस्तान के अंदर। वो कुछ मैं कहता हूँ कि असल सवाल ये है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान को अपने मसले हल करके, मसले कश्मीर को हल कर लेना चाहिए। जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है उस इंटरनेशनल बॉर्डर, और ये मुशर्रफ साहब ने मान लिया था, मैं तो उस वक्त इन्वॉल्व था, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, मुझे और कुलदीप नैयर को वहाँ भेजा था और हमने जाके वहाँ बात की थी, और उसके बाद मुजफ्फराबाद रोड खोला गया और तमाम मसाइल हल करने के हम कगार पे आ गए थे कि जहाँ पर तमाम मसले हल हो जाते, और ये मुशर्रफ साहब भी इस पर मुत्तफिक हो गए थे कि जिस के लाइन ऑफ कंट्रोल को हम इंटरनेशनल बॉर्डर तस्लीम कर लें और उसको एक सॉफ्ट बॉर्डर बना दें, कि यहाँ के कश्मीरी जो है बगैर पासपोर्ट के सिर्फ एक परमिट के जरिए उधर जा सकें, और उधर के कश्मीरी एक परमिट के जरिए यहाँ आ सकें, कारोबार हो सके, सारे काम हो सके। तो इस तरह का एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आपने देख लिया कि आप जंगे लड़के, आप जबरदस्ती करके आप कश्मीर नहीं ले सकते, और हिंदुस्तान कश्मीर देगा नहीं, क्योंकि आप जो कहते हैं कि सब कश्मीर हमारा है क्योंकि वहाँ मुसलमान आबादी है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि अगर कश्मीर आपका है तो फिर आप 20 करोड़ मुसलमानों को भी लेने के लिए तैयार हो जाइए। आप 5 लाख मुसलमान तो ले नहीं पाए जो बांग्लादेश में आपके आपकी आपके लिए जान देते थे, जिन्हें आप बिहारी मुसलमान कहते हैं उनके लिए आपने रास्ते नहीं खोले, और आप बात करते हैं इसकी, आपको कश्मीर चाहिए, कश्मीरी मुसलमान नहीं चाहिए, आपको हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं चाहिए। आप यह तो कहिए कि इसराइल की तरह हम खोल देते हैं, कोई भी आके यहाँ पर बस सकता है, अगर आप कहते हैं कि आपके लिए बनाया था। तो ये सब कश्मीर के मामले को सुलझाना पड़ेगा, उसमें हिंदुस्तान का भी फायदा है, पाकिस्तान का भी फायदा है, और सबसे बढ़ के कश्मीरी अवाम का फायदा है। कश्मीर का मुस्तकबिल इस पे है कि कश्मीर को के मसले को हल करके हम एक बार को किनारा कर दें, और वहाँ पे वहाँ से फौजें हटें, वहाँ से लोग हटें, और जो वहाँ आप जो वहाँ भेजते हैं हथियार, वहाँ पे खेतों में नहीं उगते, माफ फरमाएं, वहाँ खेतों में कलिश्कोव नहीं उगती है, आप ही भेजते हो उधर से, पार से, आप वहाँ से ट्रेनिंग देते हो, आप वहाँ पे कैंप लगाते हो, आप वहाँ से पैसा जमा करते हो। मैं तो जब पाकिस्तान गया हूँ, जगह जगह मैंने कैंप लगे देखे, ईद बकरीद के मौके पे खाले जमा की जा रही है कश्मीर के नाम पे, पैसा जमा किया जा रहा है, हर मस्जिद के बाहर आप जमा कर रहे हैं, तो आप वहाँ से भेजते हैं। नतीजा ये होता है कि जब आप किसी भेजेंगे यहाँ पे तो फिर फौज भी आएगी, पुलिस भी आएगी, जुल्म भी होगा, जायज़ भी होगा, नाजायज़ भी होगा, जैसे आपके यहाँ बलूचिस्तान में होता है, जायज़ भी होता है, नाजायज़ भी होता है। आप क्या करते हैं बलूचिस्तान में, आप तो बमबारी करते हैं, हिंदुस्तानी तो बम नहीं गिराते हैं कश्मीरी आवाम के ऊपर। हम तो यहाँ पे अल्लाह का करम यह है कि कश्मीरी मुसलमानों के लिए लड़ते हैं, मेरे से ज्यादा इनको ही लड़ा, मेरे वालिद जो शेख साहब गिरफ्तार हुए थे 53 में, तो मेरे वालिद ने उसके खिलाफ बात की थी और नई दुनिया पे पाबंदी लग गई थी, बैन कर दिया गया था नई दुनिया, तो हमने वालिद ने मेरे हिम्मत निकाला था, हिम्मत बैन हुआ तो ताकत निकाला। हम तो कश्मीरियों के लिए लड़ते आए, और मैं हमेशा कश्मीरियों के हकूक के लिए लड़ता हूँ। आज भी मैं कश्मीर खुलेआम जाता हूँ, वहां जाके अपनी बात कहता हूँ, और कश्मीरी आवाम मेरी बात सुनते हैं। मैं कभी कोई सिक्योरिटी लेके कश्मीर नहीं जाता हूँ, कश्मीरियों से मुझे बेहद मोहब्बत है, कश्मीरी लाजवाब लोग हैं, कश्मीर हमारे कलेजे का हिस्सा है, लेकिन कश्मीर के लिए खुदा के वास्ते कश्मीर पे सियासत बंद कर दीजिए, और कश्मीर को इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए कश्मीरियों को, इंशाल्लाह आपका मुल्क भी तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे, और सबसे बढ़कर कश्मीरी जो हैं वो इस अजाब से निकल जाएंगे, पिछले 70 बरस से हमने उन्हें अजाब में मुब्तला कर रखा है। आपने शायद साहब कहा कि बलूचिस्तान में बमबारी की गई, ये कब की बात है, कहाँ कहाँ हुआ ये? भाई मैं तो पढ़ता रहा हूँ कि कई बार जो है आपके यहाँ से जो एयरफोर्स का इसका इस्तेमाल हुआ है, जब वहाँ जो वो थे क्या नाम था उनका जिनका कत्ल हुआ बाद में, अकबर के लीडर थे, अकबर बुगती जी, अकबर बुगती साहब जी, जी। मुझे लंदन में मिले थे वो, मुझे लंदन में एक बार मिले अकबर बुगती साहब, उन्होंने कहा जी मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं उर्दू में बात नहीं करता हूँ, सिर्फ अंग्रेजी में बात करता हूँ। तो मैंने कहा अंग्रेजी में बात कर लीजिए, उन्होंने कहा नहीं आप हमारे दुश्मन हैं, आप लोगों ने पाकिस्तान बनवाया यूपी के मुसलमानों ने उसके, और हमारे हमारे ऊपर बनवा दिया जबरदस्ती, हम नहीं चाहते थे कोई पाकिस्तान, आपने आप हमारे लिए, हम आपसे नफरत करते हैं,
आप हिंदुस्तान के मुसलमानों से, क्योंकि आपने पाकिस्तान बनवाया। जबकि मैं एक बात ये भी क्लियर कर दूं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों ने कोई पाकिस्तान नहीं बनवाया। उस वक्त सिर्फ 13% लोगों को वोट डालने का था, और जो आपके कैंडिडेट खड़े हुए थे मुस्लिम लीग के जमींदार थे, कोई इलेक्शन कमीशन नहीं था, जमींदारों ने खुद ही ठप्पे लगा लिए। 13% वोटर थे, उनमें से भी मुश्किल से 6-7 यानी कि 50% ने भी मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया। जो आम मुसलमान था वो तो जमीत उलमा के साथ था, वो देवबंद तहरीक के साथ था, वो महात्मा गांधी के साथ था। तो ये भी एक इल्ज़ाम है आपके यहाँ से। एक आते हैं कैनेडा से एक साहब तारिक फतेह, वो यहाँ पे आके हमें गालियाँ देते हैं, वो कहते हैं साहब आपने बनवाया, आप हमें बुरी तरह से लानत भेजते हैं, हमारे ऊपर बेहुदा बातें करते हैं, लेकिन और यानी आप हमें चक्की के दो पार्ट में पीसना चाहते हैं। आप हमें खत्म भी कर गए, हम पे फातिहा पढ़ ली। एक अम्बेसडर साहब थे, उनसे मैंने कहा पाकिस्तान के हाई कमिश्नर साहब, वो कहने लगे साहब आप शिकायत मत कीजिए, हिंदुस्तानी मुसलमानों पर तो हमने फातिहा पढ़ ली, तो हम पे तो आप फातिहा पढ़ चुके हैं, आप तो हम पे बहुत पहले फातिहा पढ़ गए। जिनाह साहब कह गए थे कि 2 करोड़ मुसलमानों को हमने कुर्बान कर दिया, 6 करोड़ मुसलमानों के लिए हमें तो आप कुर्बान कर चुके हैं, फिर आप क्या हमारी बात करते हैं। कश्मीर को आपने कुर्बान कर दिया, कश्मीर आप चाहते तो लेते उस वक्त, सरदार पटेल तो राजी थे, तारीख पढ़िए, सरदार पटेल तो राजी थे। आप हैदराबाद के चक्कर में पड़ गए जिसका कोई सिर पैर नहीं था, वहां पे आपने जो भेजे अपने जो ट्राइबल भेजे वहां पे जिन्होंने जुल्म ढाया कश्मीर में, वो जिम्मेदार है हालात के लिए। तो कश्मीर की बड़ी पेचीदा मामलात हैं, उसमें आप उसको खुदा के लिए उसे खत्म कीजिए और सच्चाई का सामना कीजिए, कश्मीर को भूल जाइए। सर सैयद अली गिलानी जो हैं वो बहुत मकबूल एक कश्मीरी लीडर हैं पाकिस्तान में खास तौर पे, उनका एक बयान मैं देख रहा था, उन्होंने ये कहा कि मुसलमान जो है ना वो किसी नॉन मुस्लिम सोसाइटी में नहीं रह सकता, और वो इसी तरह है जैसे एक मछली को पानी के बगैर रहना पड़े जी। तो और वो दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर कश्मीर के मसले का हल चाहते हैं। हमारे भी कुछ लीडर्स ये बात करते हैं इधर कि जी गिलानी साहब को कहिए, गिलानी साहब के ये बता दे मुझे कि उनके कितने रिश्तेदार अमेरिका गए, कितने इंग्लैंड गए, कितने यूरोप गए। ये जो हुरियत के लीडर हैं इनके बड़ी तादाद में इनके बच्चे जो हैं वो बाहर जाके पढ़ रहे हैं, वहाँ फरमाए पढ़ी रहे, वहाँ बस गए यूरोप अमेरिका में। तो कैसे रह रहे हैं वहाँ पे, वहाँ पे क्या इस्लामी हुकूमत है, वहाँ पे क्या मुसलमान रहते हैं, कैसे रह रहे हैं वो जाके इन ईसाइयों के बीच में। ये दोहरी बातें गरीब को फंसाने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं। और अगर ऐसे ही है तो खोल दीजिए बॉर्डर, कहिए कि सारे मुसलमान आ जाओ, नहीं रह सकते आप यहाँ वहाँ पे। तो आप जाके दुबई में अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं, दुबई में आप देखिए जाके हिंदुस्तानी जो है वो उसकी मेजोरिटी है आज। पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं, माफ करें, अब इतने कोविड के बावजूद हमारे खुल गए रास्ते, आपके नहीं खुले क्योंकि आपसे सब घबराते हैं। पाकिस्तान की इज्जत बनाइए, मकाम बनाइए। और गिलानी साहब तो अपनी सियासत करते आए हैं, माफ फरमाएं, गिलानी साहब से बहुत नुकसान पहुंचा है कश्मीरी अवाम को, कश्मीरी अवाम भी इस बात को समझ गए। अच्छा सर, इंडिया के मुसलमान जो हैं, आपने जिक्र किया कि दो कौमी नजरिया जो है वो उसके हामी नहीं है या उससे उनको नुकसान हुआ, तो क्या कैसे समझते हैं आप इंडिया के मुसलमान दो कौमी नजरिए को? बात यह कि दो कौमी नजरिया तो कोई नजरिया ही नहीं था। तो मोहम्मद अली जिन्ना उसके हामी नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना को जब सबसे पहले उनके सामने ये रखा गया था जब इंग्लैंड में थे वो, तो उन्होंने कहा था कि दोज हु थिंक दैट देयर कैन बी अ मुस्लिम स्टेट लिव इन फूल्स पैराडाइज। और उसके बाद उन्होंने एक क्या था सेक्रेटरी उसका वाइस, एक किताब थी पेंडल मून की किताब है जो सेक्रेटरी था इसका वाइस रहेगा माउंटबेटन का, उसने अपने किताब में लिखा था कि जिना साहब ने मुझसे कहा कि आई एम यूजिंग पाकिस्तान एज अ बार्गेनिंग काउंटर, आई नो देयर वोंट बी पाकिस्तान बट आई हैव टू आस्क फॉर पाकिस्तान टू गेट मैक्सिमम फॉर मुस्लिम्स। और यही जिना साहब थे जिन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान को कबूल कर लिया था, मुस्लिम लीग ने कबूल कर लिया था 1946 में, कैबिनेट मिशन प्लान कबूल कर लिया था आपने। और कैबिनेट मिशन प्लान में पाकिस्तान नहीं था, 3 ABC जो है ग्रुपिंग बनाई गई थी, और एक एक हिंदुस्तान रहेगा जिसकी एक फॉरेन पॉलिसी होगी, एक करेंसी होगी, एक आर्मी होगी, लेकिन इंटरनल जैसे आज भी आपके सूबों में, सूबों में तालीम का मामला है, आपकी पुलिस का मामला है, वो अलग अलग होगा, उस तरह से ABC वो बनाए गए थे। तो वो उस वक्त कबूल कर लिया था, तो खुद जिना साहब को पता था, और बनने के फौरन बाद जिना साहब को अंदाजा हो गया था कि इट वॉज अ मिस्टेक। पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी मुमकिन ही नहीं है। देखिए एक बात समझिए मेरे, मैं पाकिस्तानी अजीजों से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो मुल्क हैं और बांग्लादेश तीसरा मुल्क है।
श्रीलंका एक मुल्क है, नेपाल एक मुल्क है, लेकिन हम लोग कौमें नहीं है, अलग अलग हम कौम एक हैं। जिस तरह से अरब जो है 22-24 मुल्क हैं, लेकिन कौम एक है, उनकी तहजीब एक है, उनके खाना पीना एक है, उनकी जुबान एक है, उनका दीन एक है। एक दीन होने के बावजूद, सारी चीजें होने के बावजूद वो 22 मुल्क हैं कौम, लेकिन दो कौमें नहीं है, कौम एक है। तो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी भी कौम एक हैं, हम मुल्क अलग अलग हो सकते हैं। दो कौमी नजरिया तो उस दिन आपका पूरी तरह से रिजेक्ट हो गया जिस दिन बांग्लादेश बना, और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तो कभी कबूल ही नहीं किया। हमारे उलामा ने, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, चाहे मौलाना हुसैन अहमद मदनी हो, हमारे जितने भी देवबंद के उलामा थे, खुद मौलाना जमात इस्लामी के जो बानी थे, उन्होंने कबूल नहीं किया था पाकिस्तान के नज़रिए को, नज़रिया पाकिस्तान को, दो कौमी नज़रिए को, दो कौमी नज़रिए को सबने रिजेक्ट किया था। और दो कौमी नज़रिया उस दिन ख़त्म ही हो गया जिस दिन पाकिस्तान बन गया, ये समझ लीजिए, जिन्ना साहब ने उस दिन उसको उस पर फातिहा पढ़ ली थी। तो इसलिए अब दो कौमी नज़रिए की तो बात ही ना करें, हम कौम एक हैं, मुल्क दो हैं, हम आपके बॉर्डर्स की पूरी पूरी जो है एहतराम करते हैं, और मैं पहला आदमी हूँगा जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी की बात करेगा, पाकिस्तान की इंटीग्रिटी की बात करेगा। पाकिस्तान की इंटीग्रिटी पर कोई खतरा आएगा तो हम उसके खिलाफ हैं। आप देखिए कि हमारे तो वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने हमारी फौजें आप घुस जाती, बांग्लादेश तो बन गया था, वेस्ट पाकिस्तान में भी हम आपको ख़त्म कर देते, घुस सकते थे। आपकी 90,000 फौज हमारे पास थी, क्यों छोड़ दी? आप क्या समझते हैं आपसे डर के छोड़ दी? आप क्या समझते हैं भुट्टो साहब इतने वो थे, कमाल किए कि उन्होंने इंदिरा गांधी से छुड़वा ली? नहीं, क्योंकि हम चाहते थे कि मसले हल हो जाएं, झगड़े ख़त्म हो जाएं। हम पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम कर चुके हैं और पूरी तरह से उसका एहतराम करते हैं, लेकिन दो कौमी नज़रिए को कम अज़ कम हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं करता। RSS कर सकती है, माफ़ करें, हिंदुस्तान में सावरकर ने उस दो नज़रिए, दो कौमी नज़रिए को माना है। हिंदुस्तान में कुछ जो इंतहा पसंद बायगॉटेड लीडर्स हैं हिंदू, वो दो कौमी नज़रिए को मानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान जो है अपने लिए उसे समय कातिल समझता है, उसे जहर समझता है। लेकिन सर पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे हमारी एक हिस्टोरियन हैं आयशा जलाल जी, वो ये कहती हैं कि जिन्ना डिड नॉट वांट पार्टीशन, और ये नेहरू जो हैं उनका था और पटेल का था, उन्होंने यहाँ तक भी कहा, मैंने उनका इंटरव्यू किया पिछले दिनों, कि नेहरू जो हैं वो अपनी डायनेस्टी के लिए चाह रहे थे कि बंगाल और पंजाब इकट्ठा ना रहे और यूपी को एक सुप्रेमेसी मिल जाए, और उनका ताल्लुक तो यूपी से था, तो उन्होंने अपनी डायनेस्टी के लिए इंडिया को गोया डिवाइड करवा दिया, क्योंकि जिन्ना साहब तो कैबिनेट मिशन प्लान मान चुके थे। जी नहीं, देखिए उसमें ऐसा है, मैं बहुत पार्शियली उससे एग्री करता हूँ। वो फार फेच्ड उनकी, जो मैंने पढ़ी है आयशा जलाल की किताबें और मैं जानता हूँ उनकी पूरी थ्योरी से, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत पहले इस बात को कहा भी है, लेकिन सच्चाई यह है कि नेहरू से जब जिन्ना साहब ने मान लिया था तो एक एयरपोर्ट के ऊपर, उस वक्त छोटे मोटे अखबार होते थे, तो कॉरेस्पोंडेंट ने उनसे पूछा था कि डू यू एग्री विद दिस, मुस्लिम लीग हैज एग्रीड, कांग्रेस हैज एग्रीड, डू यू एग्री विद इट? ही सेड आई एग्री फॉर नाउ, बट आफ्टर वी आर इंडिपेंडेंट वी विल बी अ सॉवरेन नेशन एंड देन वी विल डिसाइड एज सॉवरेन नेशन बिकॉज नाउ दिस इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन अस। उस पर जिन्ना साहब नाराज हो गए थे कि आप अभी से मुकर रहे हैं तो ये हम इसे फिर आगे आप जाके क्या करेंगे, तो वहां से जो है गलतफहमी बनी थी नेहरू के इस बयान से। अब ये कहना कि नेहरू अपने खानदान की, उस वक्त से ऐसा नहीं था, नेहरू ने कभी इंदिरा गांधी को बनाने की सोची भी नहीं थी, इंदिरा गांधी बनी भी नहीं थी। अगर शास्त्री जी की अचानक मौत ना होती ताजकंद में, तो शायद इंदिरा गांधी वजीर आजम बनती भी नहीं, और अगर इंदिरा गांधी का कत्ल ना हुआ होता तो शायद राजीव गांधी को मैं बहुत करीब था, मेरे बहुत अजीज दोस्त थे और बहुत उनसे कुर्बत थी, वो हरगिज सियासत में भी कदम रखना नहीं चाहते थे, उन्हें बिल्कुल एलर्जी थी सियासत से। वो तो अगर जो कत्ल हुआ है अचानक तो उन्हें मजबूरन जो है उनको ओथ लेना पड़ा, और उसके बावजूद उनका कभी कोई दिलचस्पी उस तरह से नहीं रही। तो ये जो है कि अपना जब से उन्होंने सोच लिया था कि मैं जम जाऊंगा, यानी वो नाउजु बिल्ला कोई वो हो गया थे कि पैगंबर के आगे अगले 70 साल का देख लेते नेहरू, नेहरू ने कुछ नहीं देखा था। हाँ ये जरूर है कि जो यूपी की प्राइमेसी है वो थी तब भी है, और लेकिन ये नेहरू को क्रेडिट जाता है, मैं तो नेहरू को सलाम करता हूँ, मैं तो नेहरू का बहुत बड़ा शहदाई हूँ, ये नेहरू को क्रेडिट जाता है कि 47 के हालत में जब वहाँ से 1 करोड़ के करीब हिंदू और सिख आ गए थे यहाँ पे, और ज़बरदस्त गुस्सा था, ज़बरदस्त नाराज़गी थी, सब कुछ बिखरा पड़ा था, उन हालात में उन्होंने मुकाबला किया उन फोर्सेस का, हिंदू महासभा का, RSS का और सबका, और हिंदुस्तान को एक सेकुलर मुल्क रखा और मुसलमानों को उनके हक दिया।
आज भी नेहरू को गाली यहाँ पड़ती है, आरएसएस और बीजेपी नफरत करती है नेहरू से, इसलिए वो कहते हैं कि नेहरू की वजह से मुसलमान यहाँ पे रहा, वरना सारे मुसलमान चले जाते, यहाँ से निकाल दिए जाते, ये नेहरू है इसको जिम्मेदार ठहराते हैं। तो नेहरू को आप भी गाली देते हो, इधर भी देते हैं, महात्मा गांधी को आप भी गाली देते हो, इधर भी गाली देते हैं, लेकिन हम तो नेहरू को और गांधी को सलाम करते हैं, मौलाना आजाद को सलाम करते हैं, सरदार पटेल को सलाम करते हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ पर आज इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज है, वरना आप तो गैर महफूज करके फातिहा पढ़ के चले गए। अच्छा सर, ये जो है आजकल हमारे वजीर आजम भी और बहुत से और लोग भी ये बात करने लगे हैं कि ये गांधी और नेहरू का इंडिया नहीं है, तो मैं इंटरेस्टिंगली उनसे ये पूछता हूँ कि भाई जब नेहरू और गांधी का इंडिया था तो क्या आपने कभी उसको क्रेडिट दिया? और आज भी हमारी दर्सी किताबों में गांधी, नेहरू और कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा नफरत पाई जाती है, अभी तक बीजेपी के खिलाफ कोई नफरत हमारी टेक्स्ट बुक्स में नहीं आई जी। तो या तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो टेक्स्ट बुक्स में जो नफरत पाई जाती है उसको तो निकलवा दें, ताकि हमारे लोग जो हैं, हमारे नौजवान जो हैं, वो अपना जहन एक रैशनल तरीके से बना सकें, उनको सही हिस्ट्री पढ़ाई जाए। देखिए आपके यहाँ दिक्कत ये नहीं निकलेगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि आपको सूट कर, आपको अच्छा हिंदू सूट नहीं करता, आपको कामयाब मुसलमान सूट नहीं करता, आपको आप जो है आपको डर लगता है नेहरू और गांधी से, आपको आरएसएस से डर नहीं लगता, क्योंकि आरएसएस और आप तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, आप वो भी धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, आप भी धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हो, मजहब के नाम पे, आप भी अकलियत, वो भी अकलियतों के खिलाफ है, आप भी अकलियतों के खिलाफ हो, आप और दो वो माफ करना, आपकी जो सोच है वो कहीं उस जिसकी बात करते हो नाजियों की और फासिस्ट की, उसकी सोच से मिलती जुलती है, जहां पे आप माइनॉरिटी को टारगेट करके रिलीजन और एक रेसिस्ट आप आइडियोलॉजी, बायगोटेड आइडियोलॉजी को आप लेके चलते हो, तो ये कैसे हिंदू महासभा के और सावरकर के खिलाफ पाकिस्तान की किताबों में नहीं पाया जाएगा, वहाँ गांधी और नेहरू और मौलाना आजाद के खिलाफ पाया जाएगा, वहाँ उनसे नफरत सिखाई जाएगी, और वहाँ जो आपके कौन से साहब हैं जो आके कहते हैं मुसलमान घेटों में रहते हैं, तो उनको सूट करता है मुसलमान को घेटों में दिखाना, उनको सूट नहीं करता हाशिम अजीम प्रेम जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम उन्हें सूट नहीं करता, उन्हें शाहिद सिद्दीकी भी सूट नहीं करता, उन्हें कोई मुसलमान हिंदुस्तान में सूट नहीं करता जो यहाँ के बेहतरीन जिंदगी गुजार रहा है, जिसके बच्चे कामयाब हैं, जिसकी हर मैदान में जो आगे है उसको दिखा के, तो उनका वजूद खतरे में पड़ जाता है, उनकी जो पूरा नैरेटिव है वो बिगड़ जाता है। तो उस नैरेटिव को जिंदा रखने के लिए उन्हें ज़रूरत इस बात की है कि नेहरू और गांधी को गाली देते रहें, ताकि उनको ये दिखा सकें कि देखो पाकिस्तान बना तो सही बना, लेकिन इससे निकलिए, कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान इज अ नेशन, स्ट्रॉन्ग नेशन, उसमें कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए, उसकी नेशनलिज्म की बुनियाद एंटी इंडिया मत बनाइए, नेशनलिज्म की बुनियाद एंटी इस्लाम मत बनाइए, इस्लाम खतरे में नहीं है, अब मुसलमान भी खतरे में नहीं है, अब आप खतरे में हैं, इसलिए अपनी हरकतों की वजह। अच्छा सर, आप कई दफ़ा आप पाकिस्तान आ चुके हैं और मेरा ख्याल है मेरी आपसे मुलाकात इधर ही हुई थी पहली, तो आपकी शीरी मजारी जैसे लोगों से भी कुछ ना कुछ आपका गुफ्तगु हुई आपकी, तो कैसा लगा आपका, आपको वो इंटरेक्शन जो पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंशियल तबका है या अपर क्लास है वो क्या क्या सोच रखते हैं इंडिया के हवाले से, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के हवाले से? मैं किसी की जाती बात नहीं करना चाहता हूँ, मेरी मुलाकात तो बड़े अच्छे लोगों से वहाँ पे हुई, और लगता है इस इंटरव्यू के बाद अब मेरे शायद वहाँ पे आ भी नहीं सकूँ मैं, जो आप तो मुझसे पूछा और मैं खुल के बोला हूँ, लेकिन मैं इससे पहले भी गया हूँ तो मैं खुल के बोला हूँ, जो प्रेस क्लब है लाहौर का वहाँ भी मैं खुल के बोला हूँ, दूसरी जगह भी खुल के बोला हूँ, क्योंकि मैं ना यहाँ पे डर के बोलता हूँ हिंदुस्तान में, यहाँ पे भी खुल के मैं अपनी हुकूमत के खिलाफ बोलता हूँ, और वहाँ पे भी मैं डर के नहीं बोलूँगा, मैं खुल के बोलूँगा। तो मैं शीरी मजारी साहब से एक हम लोगों की इस्लामाबाद में ही मीटिंग हुई थी, जो आपका थिंक टैंक था कोई, उसके साथ हम लोग जो यहाँ से एमपीज गए थे, हमारा एक इंटरेक्शन हुआ था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आई डोंट सी एनी कंपैटिबिलिटी बिटवीन इन पाकिस्तान एंड इंडिया, वी आर टू डिफरेंट पीपल। मैं दिल्ली गई, दिल्ली में मुझे अपने पाकिस्तान जैसा कुछ नज़र ही नहीं आया, बिल्कुल मुझे लगा कि अलग मुल्क में, एक अलग जगह में आ गए, पाकिस्तान में अलग है। तो मैंने उनसे ये कहा था कि आप लोग जिस क्लास में हैं और जिस कल्चर के अंदर हैं, तो आप तो शायद लाहौर के मोची दरवाजे पे भी जाके अपने को एलियनेटेड फील करेंगे, क्योंकि आपके लिए वो एक अलग दुनिया है जो मोची दरवाजे पे है, जो लाहौर के जो स्लम्स में रहते हैं, जो मॉडल टाउन में नहीं रहते, जो डिफेंस में नहीं रहते हैं, वो मैंने उन्हें देखा है जाके, मैं उसकी बात नहीं करता हूँ।
एक एक कमरे के अंदर दो दो तीन तीन फैमिलियां रहती हैं बच्चों के साथ अपने, उसी लाहौर के अंदर, उसी कराची के अंदर, जरा जरा से डरगों के अंदर रहते हैं लोग बुरी हालत में। तो आप तो वहां पे जाते नहीं है श्री मजारी साहिबा, तो आपको तो हिंदुस्तान में आके आप तो जो है सिर्फ हिंदुस्तान में ये देखने के आती है कि हिंदुस्तान में क्या कमी है। तो आप नालियों के अंदर जाके ढूंढती हैं कीड़े मकोड़े, तो आप वो आपकी नेचर है कि आप नाली के अंदर जाके कीड़े मकोड़े ढूंढें, लेकिन सच्चाई है कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ कॉमन है, इनफैक्ट सब कुछ कॉमन है, सिवाय इसके कि हमारा जो है मजहब अलग है, लेकिन मजहब के भी मामला ये है कि हिंदुस्तान में भी उतने ही मुसलमान हैं जितने आपके यहाँ, तो इसलिए मजहब के मामले में भी हम आपके बराबर हैं, हर मैदान में हम आगे हैं आपसे। तो खुदा के लिए आप मान लीजिए कि आप और हम एक हैं, हमें एक होके काम करना है, आगे चलना है पाकिस्तान की तरक्की के बगैर। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में इस बात को कहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है तो पाकिस्तान को आगे ले जाना होगा, पाकिस्तान को आगे जाना होगा। हम एक आइसोलेशन में हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको सबको आगे जाना होगा। और खुदा का शुक्र है कि आज बांग्लादेश पाकिस्तान और हिंदुस्तान से आगे चला गया है। मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की कि बांग्लादेश, जिसे आप लोग बास्केट केस समझते थे, जिसे आपने राइट ऑफ कर दिया था और बड़े खुश थे कि बांग्लादेश गया, चलो हमारी गरीबी, ये गरीब बंगाली, भूखा बंगाली, ये जिसको आप जलील करते थे, जिसे आप नीचा देखते थे, जिसे इस्लाह नहीं समझते थे कि बराबर बिठा सके, वो आपसे बहुत आगे निकल गया। तो अपनी एरोगेंस, पाकिस्तानियों को अपनी एरोगेंस खत्म करनी चाहिए, एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी माफ फरमाए पाकिस्तानियों में, मैं जहां मिलता हूं देखता हूं कि उनके अंदर बड़ी सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है कि हमारा रंग गोरा है, हम तो बड़ी अच्छी क्लास है, हमारे कद अच्छे हैं, आप तो मरे हुए दुबले पतले कमजोर लोग हैं। और एक वो वहां पे एक आम आदमी में सोच है, हम एक एक जो है 10-10 के बराबर है, हम तो माशाल्लाह गोश्त खाने वाले ताकतवर लोग हैं, आप दाल रोटी खाने वाले हैं, वगैरह वगैरह। तो ये जो एक थिंकिंग आपकी, जिसको कहना चाहिए बिल्कुल फासिस्ट थिंकिंग है, एक बाइगोटेड थिंकिंग है, इससे बाहर निकलिए, इससे खुद आपको नुकसान पहुंच रहा है। इनफैक्ट आप एक घेटो में रह रहे हैं, मेंटल घेटो में, हम घेटो में नहीं रह रहे, आप एक मेंटल घेटो में रह रहे हैं, उस मेंटल घेटो से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। अच्छा शायद साहब, आपने दो बड़े हिस्टोरिक इंटरव्यूज किए, आपने एक इंदिरा गांधी का इंटरव्यू किया जब उनको शिकस्त हुई 1977 में, दूसरा आपने इंटरव्यू किया जनाब नरेंद्र मोदी साहब का 2012 में, और उसमें मुझे याद है कि उसमें आपने एक क्वेश्चन उनसे किया कि जी अखंड भारत के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते वो ये बोगी भी खड़ी करते हैं के इंडिया ने तो पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया। अगर आप उनको ये पॉइंट आउट करें कि भाई उनकी एम्बेसी है यहाँ, अगर तस्लीम नहीं किया तो पाकिस्तान की एम्बेसी वहाँ कैसे है और उनकी एम्बेसी यहाँ कैसे है, फिर वो कहते हैं जी दिल से तस्लीम नहीं किया, गोया पता नहीं किसने दिल चीर के देखा है। दूसरा सर वो ये कहते हैं कि इंडिया अखंड भारत चाहता है और वो मतलब बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, और बाज लोग तो ये भी कहते हैं कि तिब्बत और अफगानिस्तान को भी अपने अंदर शामिल करना चाहता है। तो आपने जब नरेंद्र मोदी से पूछा कि आप क्या कहते हो अखंड भारत के बारे में, तो मुझे याद पड़ता है उन्होंने कुछ ऐसी बात की थी कि ये अखंड भारत जो है ना, ये तो मुसलमानों की कोई साजिश होगी, मैं तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगर ये अखंड भारत हुआ तो इंडिया तो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री बन जाएगा चंद साल बाद। तो कैसे आप रिकॉल करते हैं उस इंटरव्यू को? मैंने जब उनसे ये सवाल पूछा था कि आप अखंड भारत चाहते हैं क्या, तो हंसने लगे, बोले अखंड भारत के नाम से आपके मुंह में, एक्चुअल अल्फाज थे कि आपके मुंह में पानी आ गया, आप समझते हो कि अखंड भारत बन जाए आप चाहते हो ताकि मुसलमानों की मेजोरिटी हो जाए। तो हम अखंड आज यहाँ पे कोई RSS वाला, कोई संघ वाला दूर दूर तक बात भी नहीं करता, वो ख्वाब में भी नहीं सोचते अखंड भारत के बारे में। ये तो पाकिस्तानी और कुछ यहाँ पे बेवकूफ जो हिंदू महासभा के पुराने वो नक्शे 47 से पहले के लेके घूमते हैं वो दिखाते हैं। ये ऐसे ही है जैसे यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो कहते हैं कि साहब पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हंस के लिया था पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान और लाल किले पे झंडा लहराएंगे, तो पाकिस्तान में क्या लोग कहते हैं कि लाल किले पे झंडा लहराएंगे? लेकिन यहाँ पे जो RSS और संघ वाले हैं वो इस बात का हवा खड़ा करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो दूसरे का खौफ दिखा के अपनी जेबें भरते हैं, तो ये हिंदुस्तान का हवा दिखा के, खौफ दिखा के अपनी राज सियासत करते हैं, अपनी जेबें भरते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान का हवा दिखा के सियासत करते हैं, ये लोग खौफ की साइकोसिस क्रिएट करके, खौफ का माहौल क्रिएट करके अपनी दुकान चलाने वाले हैं, ये लाशों पे व्यापार करने वाले हैं। लेकिन अब आज यहाँ पे कोई ख्वाब में भी नहीं सोचता अखंड भारत के बारे में कि बांग्लादेश भी आ जाए, पाकिस्तान भी आ जाए यहाँ पे, अफगानिस्तान भी आ जाए।
अगर ऐसा होगा तो मैं तो बड़ा खुश हूंगा अगर आ जाए सारा यहाँ पे। मैं चाहता हूँ अखंड भारत, मैं तो कल भी चाहता था, 47 से पहले भी हिंदुस्तान का मुसलमान चाहता था कि हम तकसीम ना हो, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि मुल्क तकसीम नहीं हुआ, मुल्क मुसलमान तकसीम हो गया और उसका नुकसान मुसलमान को हुआ है। तो इसलिए यहाँ कोई नहीं चाहता RSS या BJP, ये पाकिस्तान में खाम ख्याली है और जो अपनी दुकान चलाना चाह रहे हैं वो इसको बेचते रहते हैं और बेचते रहेंगे, उन पर कितना भी कुछ कह लीजिए उनकी समझ में आने वाली बात नहीं है। लेकिन सर हमारे यहाँ तो जो तारीख लिखी जाती है, जो उर्दू अखबारों में कालम लिखे जाते हैं, वो तो ये कहते हैं कि जी देखें हमें जो है ना जिन्ना साहब ने बचा लिया हिंदू की गुलामी से, ये जो इंडिया में मुसलमान है ये तो हिंदुओं के गुलाम हैं। चलिए अब ये तो सब बेकार की बातें हैं, जाहिलाना बातें हैं, इसका जिक्र में जो हो चुका उसको खत्म करें, हम आगे बढ़ने की बात सोचें। अब माजी में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो एक बड़ी लंबी तारीख है, उस पर हम बहस करते रहेंगे तो कुछ मामला आगे बढ़ेगा नहीं, खत्म होगा नहीं। अब तो सच्चाई यह है कि हम किसी के गुलाम नहीं है, आपके यहाँ गुलामी जरूर है, फौज की हुकूमतें रहीं, आपके यहाँ गुलामी रही, आपके यहाँ लोग जेलों में रहे, आपके यहाँ जमहूरियत नहीं रही, आपके यहाँ तो मुसलमान को भी बोलने की आज़ादी नहीं मिली। मैं तो समझता हूँ कि हिंदुस्तानी मुसलमान दुनिया का अकेला मुसलमान है जिसको इतनी आज़ादी मिली हुई है खुल के बोलने की। हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत है जो हुकूमतें बदलता है, हटाता है, जिसके वोट से हुकूमतें बदलती हैं। आपके यहाँ वोट से हुकूमतें अब थोड़ा बहुत चल भी रही हैं, वरना तो देर तक नहीं चल पाती हैं आपके वोट से। आपको तो वहाँ मुसलमान को हक नहीं है वोट डालने का, यहाँ पाकिस्तान में, यहाँ तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी मुसलमान जो है खुल्लम खुल्ला मुखालफत करता है नेहरू की भी। मेरे बाप ने तो मुखालफत की थी नेहरू की, 1953 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और खुल के मुखालफत की थी पंडित नेहरू की, खुल के हमने इंदिरा गांधी की मुखालफत की, खुल के राजीव गांधी की मुखालफत की, मैं आज खुल के नरेंद्र मोदी की मुखालफत करता हूँ और कोई मुझे डर नहीं है, डर का मेरे यहाँ कोई काम नहीं है। तो इसलिए आप जो है ये सब बातें छोड़िए, अब आप आगे बढ़ने की सोचिए और ये देखिए किस तरह दोनों मुल्कों में अमन कायम हो सकता है, कैसे हम मिलजुल के रह सकते हैं और किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो मुस्तहकम हो सकता है, उसकी इक्तिसादी तरक्की हो सकती है और हिंदुस्तान भी अपनी तरक्की कर सकता है। हथियारों पे हम पैसे ज़ाया करने के बजाय अपने वहाँ पे भी आज भी 70% आबादी जो है गुर्बत में रह रही है, हमारे यहाँ भी 70% आबादी गुर्बत में है। किसी खुशफहमी में मुब्तला मत होइए कि साहब आप अपने यहाँ अगर डिफेंस में रहते हैं तो आप समझते हैं कि सारे पाकिस्तानी डिफेंस में रहते हैं, या आप मॉडल टाउन में रहते हैं तो आप समझते हैं कि सारे पाकिस्तानी उन आलीशान कोठियों में रहते हैं। मेरे यहाँ भी आ जाइए आप आलीशान कोठियों में, मैं आपको बहुत ले जाऊँगा, एक से एक शानदार है, लेकिन मेरे यहाँ भी बहुत गुर्बत है, बहुत भुखमरी है, बहुत तकलीफ है और इन दोनों मुल्कों को पूरे साउथ एशिया को निकलना पड़ेगा इस उससे और हमें बैठना पड़ेगा, कश्मीर के मसले को हमें हल करना पड़ेगा। जो कश्मीर आपके पास है आप रखिए, जो हमारे पास है हम रखें, लेकिन सबसे बढ़कर है कश्मीरियों को उनके हकूक मिलने चाहिए, उनके ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए, वहाँ पर उन पर जुल्म किसी भी तरफ से हो बंद होना चाहिए। आपके यहाँ आज़ाद कश्मीर तो नाम को आज़ाद है, तो आज़ाद कहाँ है, वहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं होते ईमानदारी से, वहाँ पर हुकूमतें नहीं बनती, आप जैसा चाहते हो आपकी आर्मी जो चाहती है वो बनाता है वहाँ पर हुकूमतें, जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं। तो आप इस सबसे निकले, हम अगर ब्लेम करते रहेंगे आप मुझे और मैं आपको तो कोई खात्मा नहीं होगा इसका, हम ब्लेम बंद करें आगे बढ़ें। जी ये जो बात आपने की इसमें बड़ा वजन है, और मसलन अकबरुद्दीन अवैसी जो हैं या असदुद्दीन अवैसी, वो कितना खुल के गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज करते हैं। अकबरुद्दीन अवैसी ने तो एक दफा सर यहां तक कह दिया था कि आप 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दें और फिर देखिए कि ये 20 करोड़ मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं को कैसे काबू करते हैं। इस हद तक भी जो है ना अकबरुद्दीन अवैसी ने ये कहा, क्या एक गुलाम ऐसी बात कर सकता है? अब लेकिन मैं उनकी कोई इस बात से खुश नहीं हूँ, ये अहमकाना बातें हैं और नुकसान पहुँचाने वाली बातें हैं, तो उस पर वो उससे हम बच के रहें तो अच्छा है। हमें जज्बात से नहीं, होश से काम लेना चाहिए, अकल से काम लेना चाहिए, तालीम से काम लेना चाहिए। मेरी तो पूरी जद्दोजहद आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के बीच तालीमी तहरीक चलाने की है और हम बड़े पैमाने पर तालीमी तहरीक चला रहे हैं और हमारा मानना है कि हम तलवार से नहीं तालीम से अपने हकूक हासिल करेंगे। हम लड़के नहीं, हम लड़ने में यकीन नहीं करते हैं, हम सुलह में यकीन करते हैं, मोहब्बत में यकीन करते हैं और हिंदुस्तान में हिंदुओं की अक्सरियत सेकुलर है। हिंदुस्तान के आज मैं इसलिए बोल पाता हूँ, इसलिए खड़ा हो पाता हूँ कि मेरे साथ मेजॉरिटी हिंदुओं की है। हिंदुस्तान के हिंदुओं की आप इस बात को तस्लीम कीजिए, हिंदुस्तान के सिखों को, ईसाइयों को, ये बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। आपके आपके जिना साहब भी इनकी बड़ी कदर करते थे, अल्लामा इकबाल भी कदर करते थे। आप पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं, आपने अपने को
आप मेंटल घेतों से निकलिए, आपने अपने दिमाग की खिड़कियां बंद कर ली, दरवाजे बंद कर लिए। अब जब दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती है तो अंदर जो हवा है, बाहर से फ्रेश हवा नहीं आती तो अंदर सड़ान पैदा हो जाती है। तो आपके दिमागों के अंदर सड़ान पैदा हो रही है, सड़ान से बाहर निकलिए, खिड़कियां खोलिए, दरवाजे खोलिए और फिर आइए और फिर देखिए कि हिंदुस्तान में क्या सच्चाई है और आगे बढ़ने की सोचिए। अच्छा सर, आप जी मैं सर आखिर में बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इंडिया के जो मुसलमान हैं वो कोई रोल अदा कर सकते हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को इम्प्रूव करने में? यानी वहाँ के जो प्रोमिनेंट मुस्लिम्स हैं, जैसे अजीम प्रेम जी हैं, शाहरुख हैं, असदुद्दीन अवैसी हैं, आप हैं, सादतुल्ला हुसैनी हैं जमात इस्लामी के जो अमीर हैं, यंग आदमी हैं, फिर सईद नकवी साहब हैं, एम जे अकबर हैं, जो इस तरह के जो प्रोमिनेंट मुस्लिम्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, अम्बेसडर्स जो रह चुके हैं, वाइस चांसलर्स रह चुके हैं, वो अगर कुछ रोल अदा करें। नहीं देखिए, यहाँ पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मामलात में मैं एज ए इंडियन रोल प्ले कर सकता हूँ, एज ए मुस्लिम नहीं। शाहरुख खान हो, चाहे वजीम प्रेम जी हो, चाहे एम जे अकबर हो, चाहे कोई भी हो, एज ए इंडियन रोल प्ले कर सकते हैं, नॉट एज पाकिस्तान एज मुस्लिम। तो जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला है, दो मुल्कों का मसला है, दो कौमों का मसला नहीं है। तो मैं मुसलमान जो है, हाँ ये जरूर है कि आप लोग हमारे यहाँ के अच्छे मुसलमानों को भी अपने यहाँ बुलाइए। मैंने देखा यह कि जब कभी इनवाइट करते हैं आप अपने यहाँ डेलीगेशन में, तो हिंदुस्तान के मुसलमान जो वेल ऑफ हैं, जो हर मैदान में हैं, उनको आप अपने यहाँ नहीं चाहते कि वो आए आपके यहाँ के खुल के बोलें। तो इस नैरेटिव से निकलिए और ये मान लीजिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान भी उतना ही काबिल और उतना ही आगे बढ़ रहा है जितना आपके यहाँ का बढ़ रहा है, और अगर पिछड़ा हुआ है तो आपकी उसी तरह से पिछड़ा हुआ है जिस तरह आपके यहाँ पिछड़ा हुआ है। ये साउथ एशिया के मुसलमानों का एक प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान के मुसलमान और भी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। अब उसके लिए कोई आरएसएस थोड़ी जिम्मेदार है, या ईरान में अगर कुछ डेवलपमेंट है या नहीं है, या सऊदी अरब में अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ, या पूरे अरब दुनिया में कोई रिसर्च नहीं हुआ है, तो उस रिसर्च ना होने की वजह से और तरक्की ना होने की वजह से क्या आरएसएस और बीजेपी जिम्मेदार हैं? क्या वो रोके हुए हैं आपको कि आप पूरी दुनिया की एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जितना इन्वेंशन और रिसर्च होता है उतना पूरा आलम इस्लाम में मिला के नहीं होता? पूरा अरब दुनिया में, आलम इस्लाम की बात नहीं करता, अरब दुनिया की बात करता, वरना तो तुर्की में बहुत कुछ हो रहा है, इंडोनेशिया में जो सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, इस्लामी मुल्क कोई नहीं है दुनिया में। आप भी इस्लामी मुल्क नहीं है, पाकिस्तान को गलतफहमी है, पाकिस्तान भी मुस्लिम मुल्क है, मुस्लिम मुल्क रही है, बड़ी अच्छी बात है, इस्लामी मुल्क ना है ना होगा, ना माजी में भी कोई हुआ नहीं खिलाफत राशिदा के पास। इसलिए सच्चाई का सामना करना सीखिए और हकीकत का सामना करके आगे बढ़िए। अच्छा सर, आखिर में ये बताइएगा कि उर्दू की क्या पोजीशन है इंडिया में, क्या ये जवाल का शिकार है? देखिए, उर्दू की पोजीशन उसी तरह जवाल का शिकार है जिस तरह पाकिस्तान में तमाम जो जुबानें हैं वो अंग्रेजी के मुकाबले में जवाल का शिकार हो रही हैं। जो अपर मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास भी है, वो आगे बढ़ने के लिए आईटी आने के बाद से अपनी जुबानों को कम सीख रही है। मैं तो पाकिस्तानी मुझे बहुत मिलते हैं जो बोल तो पाते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं उर्दू, पढ़ लेते हैं थोड़ी ठीक ठाक लेकिन लिख नहीं पाते हैं उर्दू। तो ऐसा क्यों है? तो हिंदुस्तान में ये ज़रूर है कि जो शुमाली हिंदुस्तान है वहाँ उर्दू का जवाल हुआ है, और जवाल की वजह से भी तकसीम मुल्क है, क्योंकि तकसीम मुल्क की एक बुनियादी जुबान बताई गई थी जुबान उर्दू, कि मुसलमानों की जुबान उर्दू है, जबकि सच नहीं था। मुसलमानों की जुबान कोई भी नहीं है, ना अरबी है ना उर्दू है। अब बंगाली जो है, बंगाली दुनिया में अगर आप देखें तो ज़्यादा मुसलमान बंगाली बोलते हैं बनिस्बत उर्दू के। जो अगर आप बांग्लादेश, हमारे मगरबी बंगाल जहाँ पे 26% मुस्लिम आबादी है मगरबी बंगाल में, आसाम, त्रिपुरा, इन सब की, आसाम में मुसलमान 36% हैं, तो इन सब की मुस्लिम आबादी को अगर आप एक जगह कर लेंगे तो बंगाली बोलने वाले मुसलमान दुनिया में साउथ एशिया में ज़्यादा हैं। इस तरह मुसलमान जो तमिलनाडु में है तमिल बोलते हैं, जो केरला में है वो मलयालम बोलते हैं, जो आंध्रा में है वो तेलुगु बोलते हैं, जो महाराष्ट्र में है वो मराठी बोलते हैं, उनकी जुबान उर्दू नहीं है। आपके यहाँ जो सिंध में है वो सिंधी बोलता है, जो पंजाब में है वो पंजाबी बोल रहा है। तो इसलिए वो उसको आप कहें कि साहब ये तो उनकी जुबान उर्दू है, ठीक है, लिखना सारी जुबान थी। तो इसलिए हिंदुस्तान में उर्दू शुमाली हिंदुस्तान में तो कमज़ोर पड़ी है, लेकिन जो जुनूबी हिंदुस्तान है आज उर्दू पूरी तरह से जिंदा है। हैदराबाद में, बेंगलोर, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, कलकत्ता भी आज भी बहुत बड़ा एक सेंटर है उर्दू का। लेकिन ये सच है कि उर्दू ही नहीं, हिंदी भी कमज़ोर पड़ी। आज आपको कोई पंजाबी बच्चा नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में जो पंजाबी, जो 15-20 साल की उम्र से नीचे हो कि वो पंजाबी लिख सकता, वो पंजाबी गुरमुखी में नहीं लिख सकता।
वो सिंधी नहीं लिख सकता, वो हिंदी भी लिखने वाले कम से कम होते जा रहे हैं, क्योंकि सारी तालीम जो है अच्छे स्कूलों में अंग्रेजी में हो रही है। दिल्ली में आप आएंगे तो किसी आप सड़क पे चलते फ्रूट बेचने वाले से बात करेंगे तो आपको अंग्रेजी में जवाब देगा, वो कंफर्टेबल ज़्यादा होता है अंग्रेजी में बनिस्बत उर्दू के या हिंदी के या हिंदुस्तानी के। तो लेकिन आज भी जो हमारी फिल्में हैं वो पूरी दुनिया में देखी जाती हैं, जैसे आप बॉलीवुड कहते हैं वो तो क्या है, हिंदुस्तानी फिल्म है, उसमें उर्दू का बहुत दखल है। तो उर्दू जुबान की हैसियत से नहीं मर रही है, हाँ जो उसकी लिपि है जो उसकी रस्मुल खत है वो ज़रूर ख़त्म हुआ है, लेकिन किसी भी जुबान की पहचान रस्मुल खत से नहीं होती। पंजाबी अगर फारसी रस्मुल खत में लिखी जाती है, गुरमुखी में लिखी जाती है, रोमन में लिखी जाती है, तो क्या वो पंजाबी नहीं रहती? पंजाबी रहती है। रोमन में जब आप लिखते हैं, जब आप रोमन में उर्दू लिखते हैं सर, तो क्या उर्दू नहीं रहती? वो उर्दू तो रहती है, तो उर्दू तो जिंदा है। आज भी मैं अगर बोलता हूँ कहीं, हमारे वज़ीर आज़म भी जब बोलते हैं तो उर्दू के बेशतर अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, अगर खालिस हिंदी का इस्तेमाल करें तो शायद आम हिंदुस्तानी उसको समझ नहीं पाएगा। तो उर्दू माशाल्लाह जिंदा है, तरक्की कर रही है, क्योंकि हमारी फिल्में, हमारे सीरियल्स, हमारी तमाम चीज़ें उस हिंदुस्तानी में होते हैं, उस उर्दू वाली हिंदी में होते हैं कि जो आम आदमी की जुबान है। अब आप उसको लिखने को अगर सिर्फ उर्दू मानते हैं तो माफ कीजिएगा, लिखना किसी भी जुबान की पहचान नहीं है। आप अंग्रेजी में अगर लिखें कि अगर उर्दू में लिखें आप कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो क्या वो उर्दू हो जाएगी? आप लव है कॉलेज, तो कॉलेज आप इस्तेमाल करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं टेबल, आप टीचर इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, तो क्या उर्दू के लफ्ज हो गए? अंग्रेजी के लफ्ज हैं सर। तो इसलिए रस्मुल खत बदलने से जुबान नहीं मरा करती, दिमागों को खोलिए, समझ में आ जाएंगे सारे मसाइल। तो थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब, बहुत आपसे, हाँ बहुत मजा आया आपसे गुफ्तगू करके। मेरी 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 नेक ख्वाहिशात पाकिस्तान के साथ, मेरी दुआएं पाकिस्तान के साथ, आई एम अ वेल विशर ऑफ पाकिस्तान, मेरी हमेशा से तमन्ना रही है। और मैं आपको बता दूं कि मैं और कुलदीप नैयर पिछले 25-30 बरस से हम हर 14 अगस्त को मोमबत्तियां लेके जलियांवाला बाग से आग को लेके जाते हैं, जाते हुए वाघा बॉर्डर पे, और वहां पे जो हमारे दूसरी तरफ से साथी आते हैं उनको हम वो आग मोमबत्ती देते हैं और वो लेके जाते हैं और लाहौर में जाके वो जलाते हैं उस भगत सिंह के, उसको शादमान चौक जिसे आप कहते हैं, हम भगत सिंह चौक कहते हैं, वहाँ वो जाते हैं। और उस हम यहाँ पे आज़ादी मनाते हैं मुश्तरका तौर पे 14 की रात को 12 बजे से पहले से शुरू होता है प्रोग्राम 8-9 बजे से, जिसमें हम पाकिस्तान की आज़ादी की का जश्न मनाते हैं और 12 बजे के बाद हिंदुस्तान की आज़ादी का जश्न मनाते हैं। हम दोनों मुल्क आज़ाद हुए हैं, आइए हम इस आज़ादी की का एहतराम करें और आगे बढ़ें। पाकिस्तान से हमें कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों को और पाकिस्तान की जो हुक्मरान क्लास है, जो एक इख्तदार का तबका है, उसको अपनी सोच बदलनी होगी, और हिंदुस्तान में भी हुक्मरान तबके को अपनी सोच बदलनी होगी। और दोनों मुल्कों की तरक्की में, साउथ एशिया की और यहाँ के अवाम की तरक्की है, उसके लिए हमें काम करना। बहुत अच्छी बातें की शाहिद साहब आपने, और मेरा ख्याल है कि इन दोनों मुल्कों का मुस्तकबिल जो है वो इसी में वाबस्ता है, इसी तरह खुशहाली आ सकती है, इसी तरह गरीब आवाम को कुछ रिलीफ मिल सकता है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्कों के जो पढ़े लिखे तबकात हैं, जो सोचने समझने वाले तबकात हैं, उनको आगे आना चाहिए ताकि इन दोनों मुल्कों के जो अखराजात हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल सेक्टर पर, तालीम पर, हेल्थ पर खर्च हों, ना कि तबाही के जो हथियार हैं उन पे खर्च हों। तो इसी के साथ मैं एक दफा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। जी खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।